अब जरा तालीमी इदारों के हवाले से करते हैं और बात चूंकि मुख्तलिफ इदारों को कुछ अहकाम माजी में दिए गए लेकिन एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आई वो बहुत सारे स्कूलों की पोल खोलती है। कई ऐसे स्कूल जिन्होंने अभी तक इस पर काम सख्ती के साथ नहीं किया है और ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक या ये जो रिपोर्ट ताज़ा सामने आई है वो बताती है कि हुकूमती हिदायत की खिलाफ वर्जी हुई है और ये खिलाफ वर्जी किसी और ने नहीं मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल्स ने की है, निजी स्कूलों ने की है और एक लंबी चौड़ी फहरिस्त जो कि सरकार के नोटिस में थी इसके बावजूद भी काम नहीं हुआ। सरकार ने सख्ती से हिदायत जारी की थी लेकिन प्राइवेट स्कूलों की अक्सरियत है जो तलबा की मशीनों के बगैर इस वक्त काम कर रही है, जहां पर उन्हें आज के वक्त में स्टूडेंट्स के लिए काउंसलर्स तैनात करने की ज़रूरत थी लेकिन वो नहीं कर पाए। दरअसल ये इंतज़ामिया ये मानती है कि जम्मू कश्मीर में जो मेंटल हेल्थ है और मंशियात के इस्तेमाल से मुतल्लिक बढ़ते हुए खदशात के दरमियान जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं अभी तक तलबा के लिए मुशीर या जो काउंसलर्स हैं उनकी तकर्री नहीं की है। मंशियात मुस्तकबिल में तबाहकुन सूरत हाल की तरफ ले जा सकती हैं और दूसरा जो इंतजामे की नज़र में मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए और कोविड के दौरान मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आई जिनने ये बताया कि बच्चों की जहन पर कैसे मनफी असरात हालात के मुरतब हो रहे हैं लेकिन तलबा के लिए उस वक्त इंतजामे की जानिब से हिदायत दी गई ये जो तमाम प्राइवेट स्कूल्स थे कहा गया कि आप बच्चों के लिए ऐसे काउंसलर्स तकर्रुर कीजिएगा जिनकी जिम्मेदारी ये होगी कि कम से कम इन नेगेटिव चीज़ों से इन खतरनाक चीज़ों से बाहर निकालने के लिए या इसकी तरफ किसी बच्चे का जहन ना जाए उससे बचाने के लिए वो फौरी तौर पर काम करें। इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज यानी IMHANS कश्मीर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज GMC श्रीनगर जिसे आप कहते हैं इसकी तरफ से ये तहकीक की गई स्टडी रिपोर्ट है जिसमें पता चला कि दो तिहाई से ज़्यादा मरीज 2011 से मरीज ऐसे हैं जिनकी उम्रें 11 से 20 के दरमियान की है यानी 11 to 20 ईयर्स हैं। ऐसा ग्रुप है जिसमें मंशियात का इस्तेमाल बच्चे सबसे ज़्यादा शुरू करते हैं। इन तमाम चीज़ों पर कैसे काबू पाया जाए इसके लिए रिपोर्ट में कुछ चीज़ें और बताई गई हैं डिटेल वाइज। इरफान फाजिल श्रीनगर से हमारे साथ इस वक्त हैं, बहुत शुक्रिया इरफान ज्वाइन करने के लिए। क्या कुछ मजीद रिपोर्ट में कहा गया है? GMC के जरिए तहकीक हुई है और जो स्कूलों से कहा गया था कि आप काउंसलर्स लगाइएगा, जिम्मेदारी उन्हें दीजिएगा कि बच्चों का जहन ऐसा तैयार किया जाए, ऐसी प्रिपरेशन हो कि वो इस चीज की तरफ सोचे ही ना, लेकिन आज ये स्टडी बताती है, ये तहकीक बताती है कि बहुत सारे स्कूलों ने इस चीज को सीरियस ही नहीं लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सुबह बखैर आसिफ रशीद और गौर कुछ है नाजीन और साथ ही साथ जहां तक आपने इस इशू के हवाले से बात की है, देखिए ये एक बर्निंग एंड बॉइलिंग इशू है। सबसे पहली बात तो अगर देखें तो समाज में जब इस तरह के मिनंस होता है तो कहते हैं ना कि धीरे धीरे जब ये इन्वॉल्व होता है तो कई सारी मसाइल या प्रॉब्लम्स खास तौर पर शुरू हो जाती है। अब ये कॉमन सब्सटेंस की जहां तक आपने बात की है या जहां तक आपने 2/3 जो है इस सब्सटेंस को लेकर जिसमें आपने एज ग्रुप भी कोट कर लिया है 11 to 20 ईयर्स, ओवरऑल सर्वे जिस हिसाब से सर्वे के हवाले से मैं बात करूंगा इसमें जो निकोटीन है उसका सर्वे बताया जा रहा है 94.4 और साथ ही साथ जो दूसरा मेडिकल ओपिट्स है उसका 65% बताया जा रहा है, कैनपीज का 63 बताया जा रहा है, बेंजोमेटाइज का 45% बताया जा रहा है और जो एडिक्टेड मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन है खासतौर पर जो इजिली अवेलेबल जब आप प्रिस्क्रिप्शन के जरिए सब्सटेंस यूज करते हैं उसका एक रेशियो 43.4 बताया जा रहा है। तो इसमें हम कैसे भूल सकते हैं जबकि मार्केट में आप अल्कोहल भी मिलेगा या कोकीन भी मिलेगा, कोकाइन भी मिलेगा तो ये चीजें 32% या 7% तक दिखाई दे रही है। मगर जहां तक काउंसलिंग का ताल्लुक है, जहां तक प्राइवेट स्कूल्स का ताल्लुक है, जहां तक मैं कहूंगा कि एक अच्छे सोशल एक्टिविस्ट का ताल्लुक है, इन बिटवीन गवर्नमेंट स्कूल्स तो प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो करियर काउंसलिंग रिलेटेड प्लानिंग जो है उसमें काफी ज्यादा छूट है, उसमें काफी ज्यादा लाभ दिखाई दे रहा है क्योंकि मेंटली जिस तरीके के लिए फिजिकली स्टूडेंट्स को एक प्रॉपरली समझाना है कि इस चीज से दूर रहे उस प्लानिंग को इंश्योर करने के लिए आपके लिए आपका काउंसलर स्कूल में होना जरूरी है। अब अगर इसी मेजोरिटी को लेकर मैं बात करूं तो कितने सारे ऐसे काउंसलर्स हैं जिनको स्टूडेंट्स के लिए हायर किया गया है, व्हेन वी टॉक अबाउट द प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल। अब जब इसी बात को हम डायरेक्ट एजुकेशन के पास पहुंचाते हैं तो दो साहब के पास पहुंचाते उनका मानना है कि नो डाउट ड्रग अब्यूज जो है ये एक अलार्म कह सकते हैं सिचुएशन है, मगर डिपार्टमेंट ट्रेन कर रहा है काउंसलर्स को ताकि वो स्कूल्स में वो काउंसलर्स पहुंचे और इन चीजों के साथ इंश्योर करें बच्चों को। मगर दूसरे साइड से अगर देखेंगे
सेमिनार्स या खासतौर पे की जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत है? इंस्ट्रूमेंट का काम करेंगे खासतौर पे काउंसलर्स के लिए, खासतौर पे स्टूडेंट्स के लिए। मगर मैं खाली आपको आसिफ ये जरूर बताना चाहूंगा, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंटली ज्वाइंट एफर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नीड टू कर्व, यानी इस चीज को खत्म करने, इस मिलेंस को खत्म करने के लिए ज्वाइंट एफर्ट्स की जरूरत है, वेल ट्रेन्ड सोशल वर्कर्स की जरूरत है, काउंसलर्स की जरूरत है, ताकि इसमें पूरी कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाए, ताकि सिस्टम को धीरे धीरे हम खत्म कर सके। मगर मामला जिस तरीके से जमीन स्तर पर है, चाहे वो पेरेंट्स के एंड से हो, स्कूल के एंड से हो, कम्युनिटी में अब ये स्प्रेड हो रहा है, मगर कितना कुछ ऐसा मार्क है, बेंचमार्क है। देखिए एक जमाना था तो घर में अगर स्टूडेंट अपना बैग स्कूल से ले जाता था, उसे डर रहता था कि कहीं मेरा पेरेंट उसे चेक ना करे कि आखिरकार इसमें क्या है। आप आजकल के टाइम में कितना देखते हैं अपने बच्चों को, जो माँ बाप है उनके क्लोथ चेक करते हैं, उनकी चीजें चेक करते हैं, उनके वार्डरोब चेक करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन बिटवीन अगर स्कूल्स की मैं बात करूं तो देर इज नो सर्वे, देर इज, मैं कहूंगा कि इस तरीके का हैमर भी नहीं है। और जब तक काउंसलर्स नहीं होंगे, जब तक प्रॉपर वर्कशॉप नहीं होगा, इट्स अ स्टडी ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, जब तक इस चीज को पूरी तरह से निकाला नहीं जाएगा बच्चे को कि ये एक बहुत बड़ा मिनंस है जो आपकी जिंदगी तबाह कर सकता है, कम्युनिटी को तबाह कर सकता है, तब तक इससे बात नहीं बनी। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल्स ऐसे हैं, स्टूडेंट काउंसलर्स होने चाहिए, लेकिन ये जो रिपोर्ट बताती है कि सरकार की तरफ से हिदायत जारी दी गई, लेकिन खुल्लम खुल्ला कैसे उनके खिलाफ वर्जी हुई, किसी ने कोई इस पर जवाब नहीं दिया, ये भी एक मेजर कंसर्न है कंसर्न अथॉरिटीज के लिए। अगर नहीं होता, छोटे छोटे मामला तो उन फीस और बाकी चीजें, काफी ज्यादा उन इश्यूज को हाईलाइट किया जाता, लेकिन ये वो मसला है जिस पर इस वक्त आइमा मसाजिद, मजहबी पेशवा कह लीजिए, या फिर दूसरी जानिब सिविल सोसाइटी भी काफी इस पर तश्वीश का इजहार कर रही है, क्योंकि सूरत हाल इंतहाई खराब है। 5.5 से 6 लाख अंदाजे के मुताबिक ऐसे नौजवान हैं जिनकी उम्रें 15 से 30 और 40 के दरमियान की हैं, लेकिन मंशियात की लत में इस वक्त कहीं ना कहीं वो फंसे हुए हैं, और ऐसी सूरत हाल इससे भी और अबतर ना हो, और अबतर होगी ही क्या जो हुई है, लेकिन फिर भी एक कोशिश थी, शायद उस कोशिश को भी कहीं गैर संजीदगी का मुजाहरा उस पर कुछ स्कूलों